हर कोई लंबी तंदुरुस्त उम्र भोगनी चाहता है, इसलिए भोजन सब तो जरूरी चीज़ है। ये महत्वपूर्ण है कि की खादा जाए, किन्ना खादा जाए, कदों खादा जाए। सब तो पहली गल, तुसी वो सब चीज़ां खा सकते हो जो तुहाडे मापे खांदे रहे आ, तुहाडे मापियां दे मापे भाव तुहाडे बजुर्ग खांदे रहे आ। जे तुहाडे मापे जिउंदे रहे, तुहानू पैदा कर गए, तां निश्चय ही वो खाद खुराक चंगी होवेगी। असल विच तां तुहाडे आले दुआले दी इह कुदरती खाद खुराक होवेगी। तुहाडे मापियां दा शरीर इस खुराक ते पलिया होण करके गर्भ विच ही तुसी भी इहदे आदी हो जाने आ। इस करके तुहाडा शरीर कुदरती तौर ते इस नाल ढलिया हुंदा। सो सब तो पहली गल, जो तुहाडे मापे खांदे ने, जो तुहाडे बजुर्ग खांदे ने, वो खाणा चंगी गल। दूजी गल, वो भोजन कदे ना खाओ जिस नूं खाद्या तुहाडा शरीर औखा होवे। कई चीज़ां तुहाडे मापियां नूं कुछ नहीं कहिंदियां, पर बदले वातावरण करके तुहाडे किसे दब्बे माड़े जीन दे जागर हो जाण कारण तुहानू तंग कर सकदियां। मिसाल वजों किसे नूं दुध, किसे नूं कणक, किसे नूं अंडे तों एलर्जी हो सकती है। ये भोजन ना खाओ। अजिहियां चीज़ां दा पता शरीर नूं सब तो पहला लगता है। जे वह कुछ भी खांदिया तुसी औखे होवो, वह चीज़ां छड्ड दिओ। गुरबाणी दे विच वाक आउंदा, वैसे तो उहदा अध्यात्मक अर्थ आ, पर वह दुनियावी काम लई भी बड़ा सही है कि बाबा होर खाना खुशी खवार, जित खादे तन पीड़िया मन में चले वकार। कि जिहड़ी चीज़ खाद्या तन पीड़िया जांदा भाई, वह चीज़ ना खाओ। जिहड़ा तीजा नुकता है कि कोई भी चीज़ जिहड़ी तुहाडे मापे भी खांदे रहन दे होण ते तुहानू भी सीधा कोई औखा भी ना करदी होवे, पर तुहाडे डाक्टर सलाह देण कि यह चीज़ छड्ड दिओ। मिसाल वजों जे किसी व्यक्ति नूं शुगर आ तां निश्चय ही खंड छड्डणी पऊगी। जे ब्लड प्रैशर आ तां मरीज़ नूं लूण जां तेल वालियां चीज़ां घट्ट खाणियां पैणगियां। तां इह छड्ड दिओ, भावें तुहाडे मापे भी खांदे रहे आ ते भावें तुहानू भी उह चीज़ां सीधे तौर ते औखा नहीं करदियां, पर इस मामले दे विच डाक्टर दी सलाह मन लैणी चाहीदी आ। चौथा नुकता बड़ा सीधा है कि खाइए मन भाउंदा ते पहनीए जग भाउंदा। जो भी तुहानू चंगा लगता है, जे औखा नहीं करता, डाक्टर ने मना नहीं किया, वह चीज़ खा लो। याद रखो, खाना केवल पेट भरन की एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये मनोविज्ञानक भी है। इस नाल खुशी, प्रसन्नता, आनंद भी जुड़िया होया है। जिहड़ी चीज़ खा के तुहानू खुशी नहीं मिलती, प्रसन्नता नहीं आती, आनंद नहीं आता, वो चीज़ ना खाओ। वह चीज़ का तुहानू फायदा नहीं होण लग्या। हुण एक आम सवाल पूछा जाता है कि किन्ना खाइए। सौखा जवाब आ, भुख अनुसार खाइए, ना बहुता ना थोड़ा। गोरखनाथ की गल याद रखिए कि खाया भी मरे, अणखाया भी मरे, गोरख कहे संजमी तरे। बहुत सारे लोग भी पूछते आ कि किन्नी बारी खाना चाहिए तो कदों खाना कह चाहिए। वो आम करके गल दोहरा दी जाती है कि गरीब नूं जदों भी भोजन मिले उदों ही कर लेना चाहिए, तो अमीर नूं जदों जी करे। दोने गल्लें गलत आ। अमीर होवे गरीब होवे, हमेशा खाना निश्चित समय पर ही खाना चाहिए। अगों पिछों बेटाइमे खाण नाल शरीर की पाचन प्रणाली बिगड़ जाती है। सो टाइम सिर खाओ, तीन बार खाओ, चार बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, पर लगातार एक निश्चित पैटर्न पर खाओ। सातवां नुकता, भोजन किन्ना का गर्म ते किन्ना का ठंडा खाना चाहिए। वैसे तो भाई गर्मियों च थोड़ा ठंडा ते ठंड विच थोड़ा जिहा गर्म चंगा लगता है, पर खाना मोटे तौर पर गल समझ लो कि शरीर अते आले दुआले दे तापमान अनुसार ही खाना चाहिए। सीधी साधी गल कि रूम टैंपरेचर ते, क्योंकि उहदे अनुसार साडा शरीर सैट होया हुआ हुंदा। बहुत ही ठंडी चीज़ तो बहुत ही गर्म चीज़ दोनों चीज़ें खराब कर दें। बहुत ही तेज़ जदों असीं गर्म खाने तो शरीर नूं उस नूं ठंडा करन लई एनर्जी लाउणी पैंदी है। जे बहुत ठंडा करते हैं तो उस नूं गर्म खाण करन लई एनर्जी लाउणी पैंदी है। इस करके ज़्यादा चंगी गल आ कि रूम टैंपरेचर वाला खाना खाधा जाए। अठवां नुकता है कि भाई ताज़ा भोजन ते ताज़े कट्टे फल सलाद ही सब तो वधिया हुंदे। बेहे भोजन विच बैक्टीरिया, उल्ली, वायरस पैदा होण दा खतरा वधेरे हुंदा। पर सानू पता है कि हर वेले ताज़ा भोजन नहीं मिलता,
पर जे बासी भोजन खाना है तो पूरी तरह गर्म करके खाना चाहिए। वैसे इस मामले दे विच फ्रिज ते माइक्रोवेव नू गाला नहीं कढ़निया चाहीदियां, ये मनुख दे सहायक ने। फ्रिज आ जिहड़ी उस दे विच भोजन खराब नहीं हुंदा, बैक्टीरिया नहीं पैदा हुंदा, पर वह भोजन भी गर्म करके खाना चाहिए। इस तरह जो ठंडा भोजन आनू फिर फ्रीजर च बहुत ठंडा करके रखना चाहिए, बाद दे विच तुसी उसनू अपने टेस्ट अनुसार थोड़ा जहा गर्म मौसम के अनुसार होने पर खा सकते हैं। तो ये अंधविश्वास ने कि किरणा होंदिया माइक्रोवेव वाला भोजन नहीं खाना चाहिए, यह नहीं खाना चाहिए। वड्डी गलत यह आ कि ताजे नाल दी रीस नहीं, पर ये यंत्र भी तुहाडी सहायता करदे आ, तुहाडे विरुद्ध नहीं आ। नौवां नुकता है कि सब चीज़ां ना रला मिला के खानियां चाहीदियां, सारे तरह के अनाज, सारे तरह दियां दालां, सारे तरह दियां सब्जियां, सारे तरह के फल, सारे तरह के तेल, इस तरह ही पौष्टिक भोजन बनता। ता ही सानू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट ता ही सानू प्राप्त होंगे, ता ही विटामिन ते खनिज प्राप्त होंगे। मिसाल वजो जे पांच जीआं दा परिवार आ तां औसतन 5 किलो तेल लगता है, तो ये सैचुरेटड भी होना चाहिए, अनसैचुरेटड भी होना चाहिए, देसी भी होना चाहिए, मक्खन भी होना चाहिए, रला मिला के वरतने चाहिए। इस तरह कई बार बंदे कहिंदे आ कि इक्को ही अनाज खाना है, चंगी गल आ कि जो वक्ख वक्ख तरह के अनाज खाधे जाण, कणक दे नाल बाजरा, ज्वार, मक्की, रोगी ये भी तुसी खा सकते हैं, पर ये रला मिला के खाना, एक कुदरती ढंग नाल रला मिला के खाना ज़्यादा वधिया। तो दसवां ते आखिरी नुकता, कोई भी चीज़ तुहानू लम्मी ते तंदुरुस्त उम्र नहीं बख्श सकती, कोई एक चीज़। आरंभ तो ही मनुख जिहे अमरफल की तलाश में रहा है, पर अजे लभ्या नहीं। बहुत सारे लोग कहिंदे कि नारियल पानी पियो, ग्लो का काढ़ा पियो, वीट ग्रास नू जूस बना के पियो, पुंगरियां दालां खाओ, सेब खाओ, एवाकोडा खाओ, कीवी फल खाओ, वो सब विच ही कुछ ना कुछ तत् विटामिन खनिज पदार्थ हुंदे आ, पर किसी एक चीज़ उपर हदों वध जोर देना ठीक नहीं, कि केवल अलसी नाल ही हर बीमारी ठीक हो जाती है, केवल हल्दी नाल ही हर बीमारी ठीक हो जाती है, ये गल ठीक नहीं। पर यह गल ठीक है कि इन चीज़ों के भी चंगे तत् होंगे, बिना शक जो इन्हों खाद्या पीत्या तो फायदा होंगे, खुशी मिलती है, विश्वास वाद्दा है, तो जरूर लवो। पर जिहड़ा विज्ञानक तौर पर जिहड़ा कहा जा सकता कि संपूर्ण जिहड़ी खुराक आ वो दुध ते अंडा है। वैसे दुध ते अंडा इसलिए नहीं कि वह कोई ऐसी खुराक है कि जिहड़ी साडे लई बनाई जाती है, वह तो भाई अपने बच्चों लई जानवर बनाउंदे ने, अपने बच्चों लई दुध बनाउंदे ने, अपने बच्चे पैदा करन दे लई वह अंडा पैदा करदे आ, पर कुदरती तौर पर उहदे विच इक संपूर्ण खुराक हुंदी आ, उहनू असीं संपूर्ण खुराक मत सकते हैं, पर सिर्फ उहनां ते आश्रित रहना जरूरी नहीं, सारा कुछ रल मिला के ही खाना पीना चाहिए, तो बहुता भरमना नहीं चाहिए, किसी भी एक चीज़ से किसी भी चीज़ का बहुता निखेध नहीं करना चाहिए, तो किसी एक चीज़ के मगर नहीं पै जाना चाहिए। ये जड़िया मैं थोड़े नाल गल्लां कीतियां ये डाइटिशियन वजो नहीं कीतियां, मैं डाइटिशियन नहीं, मैं तो लोकधारा अते पंजाबी साहित दे ते लोक मन दे आधार दे उत्ते जिहड़े सिट्टे कढ़े ते सानू ग्रंथां तो प्राप्त ने वह तुहाडे नाल सांझे कीते। तुसी इस वीडियो नू देखिया, तुहाडी बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।